फिर से आपकी गर्दन लचक जाएगी. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. या थैंक यू कोयल फॉर योर कंसर्न. माय प्लेजर. एंजॉय द पैटर्न. श्योर आई विल. चिल. Attention, attention, attention. Thank you so much, guys. Thank you. So finally, after so much efforts, Multani's and Maharjan's ka business merger ho gaya. I'm quite happy. Digvijay, it's time for you and me to celebrate. I hope tum nirash nahi karoge. Oh, please, Miss Multani. आपने डीजे के साथ कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया ना. डीजे को सेलिब्रेट करते हुए देखा, वरना आप ये कभी नहीं कहते कि डीजे आपको निराश करेगा. इनफैक्ट मुल्तानी इसका भी अगर कोई स्पेशल सेलिब्रेशन का तरीका है तो वो भी सही. आई लाइक द स्पिरिट. तो फिर तुम्हें वैसे ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा जैसे मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी. आजमा के देख लीजिए मिस मुल्तानी. रोज. यस मैम. बॉटम्स अप. Don't worry, जहर नहीं पिलाऊंगी तुम्हें. All right. Come on, DJ, be a sport. To an epic partnership. To an epic partnership. To a long-lasting partnership. दादा बाबू के इस घर में बेशर्मी की नई मिसाल बनाई जा रही है. सब कुछ बदल दिया इस डीजे ने. युविका तो अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाती थी. ये लड़की किसी भी जन्म में हमारी युवी नहीं हो सकती. बिल्कुल सही कह रहे हो नील. भगवान भी क्या अजूबे दिखाता है. एक ही शक्ल के दो इंसान और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग. दिग्विजय, लेट्स कंपीट. देखते हैं कि कौन कितनी पीस. एक्चुअली फॉरगेट इट, तुम हार जाओगे. प्लीज मिस मुल्तानी, डीजे कभी हारता नहीं. लेट्स डू इट. Twenty shots at a time. 20 shots it is. Rose. Let's begin. Uh.
मिस मुल्तानी। प्लीज जब हजम नहीं होती तो इतने की बहनी नील इतने हक से सिर्फ तुम ही डांट सकते हो मुझे मैं क्या करूं एक्चुअली सॉरी नील मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो मेरी मजबूरी है मेरा फर्ज है तुम्हारे खातिर अपने परिवार के आपको हैंगओवर नहीं होता यू आर ऑलरेडी अप एंड रेडी नो रियली नो दिग्विजय या एक्चुअली मेरा फोकस पार्टी से ज्यादा हमेशा मेरे काम पर रहता है तो मुझे हैंगओवर नहीं होता यू नो आई हैव ट्रेन्ड माय माइंड लाइक दैट राइट मुझे बस ये याद है कि लास्ट तक सिर्फ हम दोनों खड़े थे एंड आई ड्रैंक अ लॉट उसके बाद मैं अपने रूम में अफसोस हो गया आई मीन आपके रूम में आ गया एंड इट्स ओके सी यू या मिस मुल्तानी सॉरी मिस मुल्तानी मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि रात को आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी नो 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 दिग्विजय यू आर गेटिंग इट ऑल रॉन्ग एक्चुअली यू थॉट कि मैं ड्रंक हूं और इसलिए तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़ने आए बट यू पास्ड आउट तुम यहीं सो गए सो दैट इज व्हाई आई केप्ट ऑन आस्किंग यू कि आर यू ओके दिग्विजय डू यू वांट मी टू टेक यू बैक टू योर रूम बस यही क्वेश्चंस पूछ रही थी एंड दैट्स व्हाई रोज एंड आई हम तुम्हारे गेस्ट रूम में चले गए दैट्स इट सॉरी माय हेड इट्स ओके दिग्विजय यू नो व्हाट आई विल सेंड लाइम वाटर फॉर यू मैं लेमन वाटर तुम्हारे लिए भिजवाती हूं एंड यू जस्ट फ्रेशन अप I'll see you at the breakfast table. See you, Miss Multani, and... Relax, that's okay. Yeah. I'll see you. Yeah. तुमने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई है फिर भी दादा बाबू कहाँ है ये मैं पता करके रहूंगी दिग्विजय सर आपके लिए युक्ति मैम ने भेजा है गुड मॉर्निंग मॉम जय हो जय हो आइए बधाई देने आए हैं आखिर एक शादी तो हो ही गई मुल्तानीज की महाजंस के साथ डील हो गई इसलिए बधाई देने आए हैं भाई थैंक यू सो मच का हो गया हाँ ये मुल्तानीज लोग आपका फायदा उठा के आपके गले में ये पट्टा डाल के चले गए मिसेस वर्मा अरे भाई हमसे देखा नहीं जा रहा है मिसेस महाजन है भाई किसी की पालतू बिल्ली थोड़ी ना है
कहाँ हुआ, कैसे हुआ? नहीं नहीं आप रहने दीजिए, पीछे बबुआ कैसे हुआ जरा बताओ तो, ये कहाँ हो गया? मॉम की गर्दन में स्प्रेन आ गया था। स्प्रेन वहाँ आ गया? कोई गर्दन मरोड़ दी इसका? हम कहते थे आपसे गार्गी जी, इतना अकड़िए मत। अरे नहीं 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 थैंक यू सो मच। अरे श्रिष्टि जी, अरे इतनी अकड़ के बाद भी कितनी झुर्रियां हैं आपके गले में? अरे एकदम शांत बैठिए, चुपचाप ऐसे हाथ नीचे। हाँ अब देखिए हमारा जादू। हाँ नहीं नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज नो। करम बढ़ा या शर्म बड़ी, बेशर्मी है महान। और दास दरोगा कह गए भैया, गर्दन सृष्टि निदान। बम मिसेस वर्मा, क्या हुआ? हाँ आर यू ऑल राइट? अरे कुछ नहीं एकदम फर्स्ट क्लास है, टका टक। इधर देखिए तो जरा, हो गया जादू? हाँ वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेंक यू नहीं चाहिए हमको। वाह हाँ, ये बताइए कि रूही के बारे में क्या सोचा है? वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। वर्किंग से ना हो पाई, हम बता रहे डीजे बबुआ, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। हाँ अब क्या करेंगे मम्मी जी? बताते हैं एकदम फुल प्रूफ नुस्खा है हमारे पास। हाँ रास्ता क्लियर करना हमारा ही तो काम है। एक काम करो, बच्चे को रूही से अलग कर दीजिए, रूही का ध्यान इधर उधर बटाइए। अब बच्चे को वॉशिंग मशीन में धो दीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।